सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहु अकबर। देख के आंखों को सुकून मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज ख़त्म हो चुकी है, सबको ईद मुबारक। ये बलूचिस्तान के मोहम्मद असनी कौम है और ये यहीं पे पैदा हुए हैं और बलोची बिरावी थोड़ी बहुत आती है, अरबी स्पीकर है। और अब यहाँ पे हम जाएंगे और अब यहाँ पे बार्बर के पास पहुँचे हैं तो बाल कटवाने हैं। अंदर आपको लेके जाता हूँ। चांद रात है लेकिन इतना रश नहीं है, ये अच्छी बात है। एयर पॉलिश हो रही है और यहाँ पे देखें ईद की तैयारी हो रही है, बाकी दोस्त भी बना रहे हैं। इन्होंने बाल और दाढ़ी और फेस मास्क का 120 रियाल लिया है एक बंदे से, तो ये मुझे कमेंट में बताया कि इन्होंने टीक लिया है या और पाकिस्तानी 120 रियाल कितने बन खूर खूर। ये जो ऊद का लकड़ी, ये ऊद की लकड़ी लगी हुई है और अरब लोगों का कल्चर है, बहुत ही खूबसूरत। और फर्स्ट ईद है, ऐसा ईद है कि हमने पहले से कपड़े पहने हुए हैं। इशा की नमाज होने वाली है क्योंकि अरम शरीफ में हमें नमाज पढ़नी है, इस वजह से वहाँ पर जगह नहीं मिलता। अभी टैक्सी आ चुकी है, अभी अरम शरीफ जा रहे हैं। यहाँ पे सऊदी लोकल्स भी टैक्सी चलाते हैं, मतलब यहाँ पे भी थोड़े हैं फाइनेंशियली क्राइसिस हैं चल रहे हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे ड्रॉप करते हैं क्योंकि आगे इनको अलाउ नहीं है, यहाँ से आगे से बस में। अभी यहाँ से होते हुए हमें बस पे चढ़ना है और अभी आगे भी ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे। अंदर छोटी गाड़ी में आना पड़ता है यहाँ पे पार्किंग करके, ये मीना में ना, तो फिर यहाँ से ये जमरात है, फिर यहाँ से बसेस आते हैं, ये जो बस आ रही है पीछे बसेस आते हैं, ये फिर आरम छोड़ते हैं क्योंकि छोटी गाड़ी को हम नहीं छोड़ते। तो बस आ चुकी है और अभी हम बस में चढ़ के आरम शरीफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपको पूरा ब्लॉग अभी दिखाते हैं। टाइम तकरीबन 12 बज रहे रात सऊदी के, रात के तकरीबन 1-2 बजे के बाद फिर रश होगा क्योंकि फिर सुबह का नमाज और फिर जो ईद नमाज है लोग हरम में पढ़ने के लिए आएंगे तो रश होगा। तो इससे पहले मैं और नसीब जान यही कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले पहुंचे ताकि हम सुकून से कोई जगह मिले हमें हरम के अंदर, हरम के अंदर, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी हम खुश नसीब में होंगे कि ईद नमाज हरम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। खैर ये आ गए माशाल्लाह हरम शरीफ के अंदर। और ये सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये शेख के जो गेस्ट्स हैं यहाँ पे, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये सब यहीं पे आते हैं और यहीं से नमाज पढ़ते हैं। ये देख रहे हैं 12 बजे का टाइम है, कितना माशाल्लाह भी रश है, लेकिन ये रश कुछ भी नहीं होगा आगे जाके। क्लॉक टावर के ऊपर ये जो लाइटें लग रही है ना, ये एक निशानी है चांद रात का और 12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम। ये देख रहे हैं पहले से लोगों ने रिज़र्व की हुई अपनी जगह और लोग आते हैं अल्लाह के घर, इतना प्यार है और लोग आते हैं कि इबादत हम अपने कंप्लीट करें और ईद नमाज हरम में पढ़ें। हमने कहा टाइम काफ़ी है तो तवाफ़ करते हैं और ये माशाल्लाह खाना काबा सुभान अल्लाह ये देखें, हम साथ साथ तवाफ़ कर रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान शरीफ की ज़ियारत हो रही है।
ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहु अकबर। देख के आंखों को सुकून मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज ख़त्म हो चुकी है, सबको ईद मुबारक। मैंने काफ़ी वहाँ पे बैठ के दुआएं की थी, तो मतलब मैं लेट ही निकला था, लेकिन अभी तक लोगों का जूम बहुत ही ज़्यादा है। अभी हमने आजी सत्तार को कॉल की थी, आजी सत्तार आ गए माशाल्लाह। अभी हम उनके गेस्ट हाउस जाएंगे। ये आजी साहब के घर से क्लॉक टावर भी नज़र आता है, इवन ये बीच में एक पहाड़ भी है। फाइनली खैर से घर में हम पहुंच चुके हैं। ये लंच लग रहा है हमारा, और मुझे पता है मंदी ही होगा क्योंकि यहाँ पे बस सब वीकेंड का कल्चर है, बस ईद के दिन। लंच के बाद अभी आ गया टी टाइम। अभी अब्दुल बासित भाई मुझे मक्का दिखा रहे हैं, हम कहाँ रहते थे और मक्का का कल्चर भी हमें वो दिखाएंगे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यहाँ पे आए हैं अलब का जो कल्चर है, और अब्दुल बासित भाई ने लेके आए, और अब्दुल बासित के पुराने दोस्त यहाँ पे मिले, और भाई ने इब्राहिम भाई ने कहा कि ये आपके वजह से हम 6 साल के बाद मुलाकात हो रही है। اور الحمدللہ اور سن انترن ودی 30 سال ماشاءاللہ 30 سال ہاں 30 سال 30 سال اند نسن اوات الگ الگ مشہور او انار کارن تی بلوم مشہور برام کرے نین کر اور مرت امان اچھا ایلو نہ پنند سعد سعد الحمدللہ ہم من سنی او مام سنی مام سنی مام سنی اور تعالوال خش وجان الحمدللہ عبد الرحمن عبد الحمد السلام عليكم انت جرم مسور ان شاء الله الله يسلم فيكم يا رب العالمين اچھا یہ ہے ہے تو پاکستانی لیکن ابھی ان کا جو یہاں پہ بون برتھ یہیں پہ اور یہ اردو لا اردو نہیں اردو جانتے بس تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں زبان بلوچی ہے بروئی ہے اس لیے بس اردو بس زیادہ نہیں اتا ہے ہم جی کرتے ہیں یہ بلوچستان کے محمد اسنی قوم ہے اور یہ यहीं पे पैदा हुए हैं। और बलोची बरावी थोड़ी बहुत आती है, अरबी स्पीकर है और ये अरब स्पीकिंग करते हैं, और ये इनका तमाम कल्चर ही अरब का है। ईद के दिन होता है इनका इवेंट होता है, और तमाम दोस्तों के एक जगह इकट्ठा करवाते हैं और एक ईद का इवेंट ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो आज आप मैं आपको दिखाऊँगा इनका इवेंट और इनका कल्चर। ये मतलब 100 सालों से ज़्यादा इनका ये चल रहा है ऐसे ही मक्के में। अभी यहाँ पे कुछ मक्का के दोस्त हैं, उन्होंने डिनर का प्रोग्राम किया है, अभी इनके घर पहुँच गए खैर से। ये दोस्त हैं, इनके ताल्लुक बिजंजो कौम से और चन्नाल कौम से है। प्लेट
جزاك الله خير अकबर साहब अभी मुझे पता नहीं काने में क्या है लेकिन अभी लेकिन ये मुझे पता है प्रेडिक्शन के मंदी होगी ये देखे मंदी है क्योंकि इनका कल्चर ही मंदी है अभी क्या करें भाई भाई दादा कह रहे हैं आज पूरा दिन ही मंदी 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 का है कमेंट भी बताना ये ब्लॉग कैसे लगा थैंक यू सो मच।